हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है लीवर वॉर्ट्स। द लीवर वॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। जो लीवर वॉर्ट्स होते हैं वो यूजुअली मोइस्ट यानी नमी वाले इलाकों में, छायादार हैबिटेट्स में, जो शेडी एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि किसी रिवर का बैंक हो गया, किनारा हो गया, दलदली जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर हो गया, डैम्प सोइल हो गई, जो ट्रीज़ की जो बार्क होती हैं, जो ऊपर की कवरिंग यानी छाल जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी ये हो सकते हैं, और जो वो जंगल होते हैं उनमें, डीप डीप वुड्स में भी ये हो सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लीवर वॉर्ट इज थैलोइड, फॉर एग्जाम्पल मर्केंशिया। जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वॉर्ट की वो क्या होती है, थैलोइड यानी थैलस होता है उसकी, जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो थैलस होगी। थैलस कहते हैं जो मेन शूट होता है, एग्जाम्पल इसका मर्केंशिया। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो लीवर वॉर्ट्स का जो थैलस होता है वो डोर्सीवेंट्रल यानी उसका जो अपर सरफेस और जो उसका लोअर सरफेस होता है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, इसे कहते हैं डोर्सीवेंट्रल। और वो सबस्ट्रेट यानी जो ग्राउंड होता है उससे वो अप्रेस्ड यानी जुड़ा हुआ होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है। द लीफी मेम्ब्रेन हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स होते हैं लीवर वॉर्ट्स के उनमें क्या आते हैं, उनमें आते हैं छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस। अब ये लीफ लाइक अपेंडेजेस क्यों कहा गया, क्योंकि जो लीवर वॉर्ट्स होते हैं यानी ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें ट्रू लीफ नहीं पाई जाती, ना ही ट्रू स्टेम, ना ही ट्रू रूट्स पाई जाती हैं, तो उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जो लीवर वॉर्ट्स का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी दोनों रोज पर, उस लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के दोनों तरफ जो लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। लीवर वॉर्ट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, यानी जो उनका मेन थैलस है या फिर मेन शूट जिसे कहते हैं उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे और वो एक दूसरे लीवर वॉर्ट्स में, प्रोजेनी लीवर वॉर्ट्स में वो ग्रो कर जाएंगे। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और प्रोसेस से हो सकता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिनको हम गैमे कहते हैं, इन गैमे से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। गैमे क्या होते हैं, गैमे ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो छोटे छोटे स्मॉल रिसेप्टिकल्स जिसे कहते हैं यानी वो गैमा कप्स में क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। गैमे क्या होंगे, ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होंगी और इनमें डेवलपमेंट होने के बाद ये गैमा कप्स में, गैमा कप्स को बनाएंगी, डेवलप करेंगी, और जो गैमा कप्स होते हैं ये थैलस पे लोकेटेड होते हैं। द गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जो गैमे होते हैं वो डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नया इंडिविजुअल्स बना देते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लीवर वॉर्ट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा गैमे से हो रहा है, गैमे इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेम थैलस पे भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ए फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो इनकी स्पोरोफाइट जो स्टेज होगी लीवर वॉर्ट्स की वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होगी, यानी उसके तीन पार्ट होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। और मियोसिस होने के बाद जो कैप्सूल्स होते हैं, गैमा कप्स जो होते हैं, यानी इसके स्पोरोफाइटिक जनरेशन का जो कैप्सूल वाला पार्ट है, मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स होंगे वो इन्हीं कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देते हैं, उसके बाद स्पोरोफाइट बनता है, फिर से ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। मोसिस द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। मोसिस की लाइफ साइकिल में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट स्टेज। और इस गैमेटोफाइट स्टेज में भी दो स्टेजेस हैं। पहली क्या है, फर्स्ट स्टेज, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें पूछा जा सकता है मोसिस की लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होगी, वो होगी गैमेटोफाइट। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। और इस गैमेटोफाइट स्टेज में भी, गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल में भी फर्स्ट स्टेज होगी प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। और जो प्रोटोनिमा स्टेज यानी स्पोर्स बन गए, स्पोर्स बनने के बाद
जो जनरेशन आएगी, जो स्टेज आएगी, उसको हम प्रोटोनिमा स्टेज कहेंगे, क्योंकि प्रोटोनिमा स्टेज सीधी स्पोर से डेवलप हो रही है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोटोनिमा स्टेज एक क्रीपिंग यानी बेल की तरह की ग्रीन कलर की और ब्रांचिंग स्टेज है, और ये इसमें फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज मोसिस की क्या होगी? लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। जो किससे डेवलप होती है? जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बर्ड के रूप में डेवलप होती है। स्पोर से पहले प्रोटोनिमा स्टेज आई, प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज, उसके बाद उसमें थोड़ा मैच्यूरेशन होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज आएगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज की जो लेटरल बर्ड होगी, साइड वाली बर्ड होगी, उससे सेकेंड स्टेज आएगी, जिसको हम लीफी स्टेज कहेंगे। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। इनमें क्या होता है? जो लीफी स्टेज है, इसमें अपराइट लीव्स यानी सीधी लीव्स सिलेंडर कहते हैं पतली को। तो अपराइट और सिलेंडर एक्सिस पर इनमें स्पायरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से स्पायरली अरेंज लीव्स इनमें पाई जाएगी। दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। जो मोसिस होते हैं वो सोइल सोइल से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। सोइल से इनका अटैचमेंट राइजोड्स के द्वारा होगा। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। और मोसिस की जो लीफी स्टेज होती है, उस स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो मोसिस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, या फिर जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उसमें बडिंग भी हो सकती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथीरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये कहां पर डेवलप होंगे? ये लीफी शूट का जो एपेक्स वाला पार्ट होगा, जो सबसे चोटी वाली या फिर टिप वाला पार्ट होगा, उस पर ही ये डेवलप होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इन टू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फुट सिटार्ड कैप्सूल। इसमें भी यही हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप हो रहा है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट है, फुट सिटार्ड कैप्सूल, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, फिर से गैमेटोफाइटिक जनरेशन, इस तरीके से चलती रहती है। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवर वोर्ट्स। जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है मोसिस में, वो लिवर वोर्ट्स के मुकाबले ज्यादा इलेबोरेट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी लंबी होती है, लॉन्ग स्टेज होती है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, और इनका जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है, इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स आर फॉर्मड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स कब बनेंगे? स्पोर्स तब बनेंगे जब स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, स्पोरोफाइटिक सेल्स में। द मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। जो मोसिस होते हैं उनमें स्पोर डिस्पर्जल का भी एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। कॉमन एग्जाम्पल मोसिस के फ्यूनेरिया, पोलिट्राइकम एंड स्फेग्नम। अब अगर हम इसके डायग्राम देखें, यही इनके डायग्राम भी हैं जो हमने देखे थे ब्रायोफाइट पढ़ते समय। ये ऊपर लीवर वोर्ट्स के एग्जांपल है मर्केंशिया, ये फीमेल थैलस है क्योंकि इसमें आर्किगोनिया फोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, ये गैमा कप्स हैं यहाँ पर, ये और ये राइजोर्स है जिनसे ये जुड़े होते हैं सोयल के द्वारा। ऐसे ही ये मेल थैलस है एंथीरिडियो फोर यानी मेल सेक्स ऑर्गन, गैमा कप्स और ये राइजोर्स। ये नीचे सीओडी मोसिस के एग्जाम्पल है, ये फ्यूनेरिया है और ये है स्फेग्नम। इसमें आप देख सकते हैं ये फुट वाला पोर्शन, फिर ये सीटा लॉन्ग एक्सिस वाला पोर्शन और ये कैप्सूल्स, इसमें स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरोफाइटिक पार्ट है, ये गैमेटोफाइटिक पार्ट है, मेन एक्सिस और ये राइजोड, ये स्फेग्नम है। ऐसे ही आर्किगोनियल ब्रांच यानी, और ये एंथेरिडियल ब्रांच, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच आप ये देख सकते हैं एक ही प्लांट में।